चले फ्रेंड्स, आज का वंस अगेन वी आर इनटू सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया, सिचुएशन का हर एक इंसान का अलग रिएक्शन होता है, एंड ओवरऑल डिपेंडिंग अपॉन योर रिएक्शन इज योर पर्सनालिटी। कोई डरता ज़्यादा है, कोई दिमाग कम इस्तेमाल करता है और बोल्ड होता है ज़्यादा। हर तरह के लोग हैं, ठीक है। बट याद रखिएगा, दो बेसिक चीज़ें याद रखिएगा सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में। एक, लाइफ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दूसरा, जब बड़ा काम होता है तो आप अकेले नहीं कर सकते, आपको डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा, आपको अपने बाकी टीम के मेंबर्स को देना पड़ेगा, ठीक। चलिए, जैसे जैसे सिचुएशन आती जाएगी मैं वैसे वैसे मैं आप लोगों को समझाता जाऊँगा। तो देर इज़ अ डिस्प्यूट बिटवीन स्टूडेंट्स यूनियन and the principal, he will do what? तो students union और principal के बीच में dispute हो गया है, ठीक है। बच्चे चाह रहे हैं कि आज ये जो exam है 15 दिन से टल जाए, वगैरह 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 dispute चल रहा है। आप क्या करेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। दोनों को convince करेंगे। पहले आप अपनी position समझिएगा। आप हैं बफर, प्रिंसिपल साहब और जो जो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं इनके बीच के आप बफर हैं, ठीक है। तो आपको दोनों साइड को सुनना पड़ेगा, एक साइड को नहीं सुनेंगे आप, दोनों साइड को सुनेंगे। यू विल सिट डाउन एंड कम टू ए कंक्लूजन। सिट डाउन विथ प्रिंसिपल साहब एंड जो यूनियन लीडर है, सिट डाउन, बात करो और कम टू ए कंक्लूजन, ठीक। जो दोनों को जस्टिफाई करता हो, जो दोनों को सेटिस्फाई करता हो राधा, ठीक। कोई डाउट? चले, ही इज रिटर्निंग होम फ्रॉम पार्ट टाइम जॉब इन ए रेनी नाइट एंड हिज साइकिल गेट्स पंचर्ड, ही विल। अब पार्ट टाइम जॉब, इनका कहने का तात्पर्य यह है कि ये शाम से रात वाली जॉब है। तो रात में घर आ रहे हैं आप, साइकिल से आ रहे थे, साइकिल पंचर हो गया, क्या करेंगे? बारिश हो रही है, तो क्या करेंगे? बारिश थमने तक रुकेंगे कहीं, हैं जी? बारिश रुकेंगे, ठीक। और फिर उसके बाद से मोबाइल अटैच होगी साथ में? हाँ होगी। चलिए, वेरी गुड। तो कुल मिला के ये, वेट फॉर रेन्स टू स्टॉप, बारिश रुक जाए। कहीं आग तो नहीं लगी ना घर में? कोई कोई ऐसा मैसेज तो नहीं आया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है तुरंत अभी पहुंचना है? अभी तो बारिश है, रुक जाए इन्हें। तो वेट फॉर रेन टू स्टॉप, ड्रैग द साइकिल अलोंग, वॉक एंड ड्रैग द साइकिल अलोंग, साइकिल को साथ में खींच के ले जाओ। आप में से ऐसा कोई जो साइकिल छोड़ देगा वहां पर? काहे छोड़ेंगे हम, ठीक। चलिए, ही इज ट्रैवलिंग टू अलाहाबाद फॉर SSB एंड हिज कोच कैचेस फायर। चलिए, आप अलाहाबाद आ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि SSB के लिए हो, आप अलाहाबाद आ रहे हैं और कोच में आग लग गई है। तो कोच, ये कौन सा कोच है? खेलने वाला कोच है या रेलवे वाला कोच है? तो रेलवे वाला कोच है, उसमें आग लग गई है। तो आग के कुछ बेसिक एक्शंस होते हैं। क्या एक्शंस हैं? सबसे पहले तो चेन पुल कर लो, ताकि हवा कम आए, हवा कम आएगी तो आग जरा उतनी भड़केगी नहीं, ठीक है। क्विकली फॉर्म ए टीम ऑफ यंग पीपल। छोटा काम है, बड़ा काम है? स्टार्ट फायर फाइटिंग विद टॉवल्स एक्सेट्रा। तो हम नायलोन का जो बड़ा वाला लिफाफा है उससे ऐसे ऐसे करके क्यों नहीं बुझा रहे आग को? नायलोन में आग लग जाएगी, या नायलोन वाला कंबल इसके पास रखा था, तने ले लिया कि इसे बुझाएंगे और आग लग जाएगी। तो कॉटन वाली चीज़ें है ना, सीज फायर यूज़ करो। सीज फायर मतलब फायर एक्सटिंग्विशर्स जो हैं वहाँ पर यूज़ करो, जो अगर लगे हों ट्रेनों में होते हैं। और गाड़ी रुकेगी, व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट? वैकेट एवरीबॉडी,
सबको नीचे उतार दो। ठीक, कोई डाउट? कोई और कुछ और करेगा? क्योंकि मैंने एक ट्रेन एक्सीडेंट में कुछ और होते हुए देखा, इसलिए पूछ रहा हूं। सही है, हंस रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, ओ किसी को उतारने का तो किसी ने समझा नहीं, सबके समान सूट के जरूर खोल के देख रहे थे कि क्या है। ठीक है, तो बच के रहेंगे हम लोग। He and his friends are going on a picnic, but bus catches fire. अब बस में तो चेन है नहीं, तो कौन ड्राइवर ड्राइवर ब्रेक लगाएगा? वैकेट एवरीबडी स्टार्ट फायर फाइटिंग विथ। ठीक, suppose he is undergoing training once in a lifetime on a ship, he received a message that father is seriously ill. तो बहुत important है कि मैं training करूँ, ship में है, once in a lifetime वाला खेल है, और ये इन्होंने कहा कि father serious का telegram आ गया है या information आ गई है। पुराने ज़माने में telegram आता था, आजकल आप लोगों के पास व्हाट्सएप आ जाता है। तो क्या करना चाहिए? शिप छोड़ के घर आ जाना चाहिए? क्या करना चाहिए? वी विल टेल अदर फैमिली मेंबर्स टू लुक आफ्टर फादर, मीनवाइल ही कंप्लीट्स द कोर्स एंड कम्स। ठीक है, अब कोर्स अगर मान लो दो साल वाला है, तब यू कैन ऑलवेज टेक लीव। अब इन्होंने क्योंकि स्पेसिफाई नहीं किया है कि कोर्स कितने दिन का है। ठीक है, चलिए, तो बैक टू हाउस ऑन स्पेशल लीव एंड गिव बेस्ट मेडिकल एड। लाइक आई सेड कि इट डिपेंड्स कि सिचुएशन कैसी है और कोर्स कैसा है। ही इज गोइंग टू नियर बाय विलेज इन ए कार विच गॉट पंचर्ड ऑन लोनली रोड। तो लोनली रोड है और गाड़ी पंचर हो गई है। नहीं, कहने का तात्पर्य यह है कि आप इतने डर के गाड़ी के अंदर चुप के बैठ के रहोगे सुबह तक, या निकलोगे बाहर और टायर चेंज करोगे? अबे डरने की क्या बात है, सुबह अपनी गाड़ी है और फटाफट करेंगे। ठीक, कोई डर तो नहीं लग रहा ना किसी को? चलो शाबाश। रिप्लेस द टायर एंड गेट इट रिपेयर्ड। सपोज हिज फादर, छोड़ो ये नहीं, सपोज योर टू बॉसेस आर गिविंग यू कॉन्ट्राडिक्टरी ऑर्डर्स। तो आपके एक बॉस हैं और बॉस के बॉस हैं, तो बॉस कह रहा है लेफ्ट जाओ और बॉस का बॉस कह रहा है राइट जाओ, क्या करोगे? जो मेरा बॉस होगा मैं उसको फॉलो करूंगा। ठीक, बिल्कुल क्लियर हो जाना। क्यों? अब क्यों उसने कहा लेफ्ट जाओ? वो अपने बॉस को समझाएगा, है ना? तो आप यू आर आंसरेबल टू योर इमीडिएट बॉस, क्योंकि इमीडिएट बॉस आपको काम दे रहा है, यू आर आंसरेबल टू हिम। ठीक, यू विल फॉलो हिम। मेरे संग चल रहे हैं ना आप लोग? कोई जी समझ रहे हैं ना? चलिए, फॉलो द इमीडिएट बॉस। He is going to trekking in Kumao Hills and one of his friend falls ill. He will. तो आप लोग पांच सात जने जा रहे हैं कुमाऊं हिल्स में,
ट्रैकिंग करने के लिए, घूमने के लिए, और आपका एक दोस्त बीमार पड़ गया, तो क्या दोस्त को छोड़ के जाओगे? तो फिर जब छोड़ना नहीं है तो फिर उसे मेडिकल एड देना है, तो गेट हिम बेस्ट मेडिकल एड, और जैसे ही वो फिट हो जाता है, रिकवर हो जाता है वो, ठीक? कोई डाउट? चलिए, गिव हिम बेस्ट मेडिकल एड एंड एनकरेज हिम टू कंटिन्यू. He has come to post office and there are very many people. वो कोई लाइन में नहीं लगाया, सब chaotic situation में है. आप क्या करेंगे? देखिए, ये मान के चलना पड़ेगा कि आप पढ़े लिखे हैं और बाकी जरूरी नहीं है कि इतने पढ़े लिखे हों. तो you have to take command of that situation और आपको कहना पड़ेगा कि भाई दोस्तों लाइन में लग जाओ. पहले जब रिजर्वेशन, रेलवे रिजर्वेशन होता था काउंटर पे जाके, तो लाइन लगती थी. और बहुत सारे हम लोग ऐसे स्मार्ट लोग थे जो जाके बीच में लाइन में लग जाएंगे, ठीक है? स्पेशली वो जो किसी ट्रैवल एजेंसी के लिए काम कर रहे हो, कुछ कर रहे हो ना, तो वो क्योंकि उससे जान पहचान होती थी तो वो बीच में से घुस के सीधा करने की कोशिश करता था. अब भाई जो हम लोग पीछे बैठे हैं, पीछे लाइन में लगे हैं, वो क्या करते थे? तो वो उनसे देखा, भाई पीछे लग कहते थे ना. अब वही सिचुएशन ये है कि पोस्ट ऑफिस में क्योस है चारों तरफ, लोग एक के अंदर एक घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो यू हैव टू टेल देम कि भाई लाइन में डालो, बारी बारी से करते हैं. ये वही सिचुएशन है जो अगर आप लोगों ने कई बार इनकाउंटर की होगी कि कहीं ट्रैफिक जाम लगता है तो क्यों लगता है. अगर एक के पीछे एक गाड़ी चलती रहे तो ट्रैफिक जाम नहीं लगेगा, बट वो खड़े हैं, उसके बगल में आ गई, उसके बगल में आ गई, उसके बगल में आ गई. अब जो सामने वाला है, जब वो निकल नहीं सकता तो उस तरफ भी यही हुआ है जो यहाँ हुआ है, अब निकल लो. तो अननेसेसरली की वेट हो जाती है, वो अक्सर काफ़ी टाइम ले लेता है ये करने के लिए. तो देखो, वी हैव टू बी केयरफुल. और अगर हम लोग नहीं फॉलो करेंगे ये सब चीज़ें, तो भाई बाकी लोग कैसे फॉलो करेंगे? देखिए, ये जो बेसिक डिसिप्लिन है ये तो स्कूलों में सिखाना चाहिए, बट क्योंकि हमारे अपने ही छोटे नेता लोग इसको तोड़ते हैं, इसलिए हर इंसान सोचता है कि हम भी तोड़ लें. जैसे इलाहाबाद में हर इंसान सोचता है कि वो नेता है पूरा, आपने देखा है? आते हैं, अच्छे खासे आते हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, दो तीन महीने तो कपड़े कुपड़े सही से पहनते हैं, उसके बाद दे आर बैक टू वेरी बेसिक्स कि दे आर बैक टू वेरी बेसिक्स कि चप्पल पहनना चालू कर देते हैं, दाढ़ी बढ़ानी चालू कर देते हैं, पान खाना चालू कर देते हैं, वगैरह 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 वगैरह. तो इसका आंसर है पोलाइटली रिक्वेस्ट पीपल टू मेक ए क्यू, और बारी बारी से काम करिए, ठीक है? ही रिसीव्स एन इंटरव्यू कॉल लेटर फॉर एन इम्पॉर्टेंट जॉब, बट बोथ द डेट्स आर क्लैशिंग विथ हिज एग्जामिनेशन. ही विल, तो आपको इंटरव्यू के लिए मिला है, दो डेट मिली है, ये एंड ये, या यहाँ इस तारीख को आओ या इस तारीख को, और आपके एग्जाम्स भी यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं, तो क्या करेंगे? हाँ, ऑप्शन तो ये भी है कि आप बैक पेपर डाल सकते हैं, बट आई वुड थिंक कि आप इंटरव्यू जिसने दिया है उसको कहोगे कि मेरे एग्जाम इस तारीख से इस तारीख तक है, उसके बाद वाली डेट दे दीजिए. अक्सर आप जो आप में से जो SHB के लिए अप्लाई किए होंगे, अक्सर चेंज करना पड़ता है डेट को, ठीक है? तो राइट थिंग इन माय ओपिनियन इज़ कि आप जिसने इंटरव्यू के लिए आपको कॉल
जो वो एजेंसी ने दी है उसको लिखिए कि मेरे एग्ज़ाम है इस तारीख से इस तारीख तक, उसके बाद की डेट दे दीजिए। ऐसा नहीं होता क्या सर, मतलब एसएससी के लिए डेट अपने से किया जा सकता है? अब आजकल आपको अपना डेट खुद भरना पड़ता है, बट मान लीजिए कोई ज़रूरी काम आ गया तब भी तो आपको चेंज करनी पड़ेगी अपनी। His brother falls ill and he is still studying in class 10th and his relatives deny money he will. तो क्यों उसने कहा कि क्लास 10th में है, बोर्ड एग्जाम होंगे है ना, तो अगर वो बीमार रहेगा तो बोर्ड एग्जाम नहीं दे पाएगा, और उसके जो रिलेटिव्स हैं, नॉर्मली आदमी अगर पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो किसके पास जाता है, दोस्त और रिश्तेदार, ठीक है। तो रिश्तेदार कह रहे हैं कि जी हम नहीं दे सकते पैसा, पॉसिबल नहीं है उनके पास, तो वो कह रहे हैं नहीं दे सकते, तो फिर क्या करोगे, बीमारी उसे बीमार छोड़ दोगे या कुछ और करोगे? तो आप अपने दोस्तों से लोगे, यू विल बोरो फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड रिटर्न व्हेन यू हैव, ठीक है, बोरो फ्रॉम फ्रेंड्स एंड अरेंज द ट्रीटमेंट। ही हैज गॉन टू अ विलेज to organize an eye donation camp, suddenly whole village catches fire. तो क्योंकि विलेज में वो छत वगैरह जो है वो कच्ची हाँ, और suddenly the whole village catches fire. तो कौन पढ़ा लिखा है इसमें, आप एक्शन बताओ क्या करोगे? विद हेल्प ऑफ द विलेजर्स हम उसको आग बुझाने का प्रयास करेंगे। चलो तो वैकेट एवरीबॉडी, जो भी घरों में है वैकेट एवरीबॉडी, डिस्कनेक्ट क्या चीज, इलेक्ट्रिसिटी, कॉल फायर ब्रिगेड, स्टार्ट फायर फाइटिंग विद सैंड एंड वाटर। पहला जान बचाना और दूसरा अपनी जान बचाना। अपनी जान कैसे बचेगी, अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट नहीं की है और पानी डाल दिया तो आपको याद होगा कि फिजिक्स क्लास जो आपने मिस की थी उस फिजिक्स क्लास में ये पढ़ाया गया था कि वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, तो फिर वो दिखे बगैर इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारे हाथ तक पहुंच जाएगी क्योंकि तुम पानी डाल लेते एंड आप फिर वहां पर जम जाएंगे, ठीक, और फोटोग्राफर्स आके फोटोग्राफ खींचेंगे और कहेंगे स्कूल में इसने फिजिक्स नहीं पढ़ा। तो क्या करना चाहिए, डिस्कनेक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब मुझे पता नहीं कि गांव में इन्वर्टर भी लगाए होते हैं लोगों के यहाँ या नहीं लगे होते, होते हैं, देन डिस्कनेक्ट इन्वर्टर आल्सो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आपने डिस्कनेक्ट की, इन्वर्टर चालू हो गया, यस सर, ठीक, तो दोनों को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, कोई डाउट? चलिए, तो आप में से आपने ये क्यों नहीं किया कि वो जिस तरह आग लगी थी आपने देखा पूरे गांव में आग लग गई, पीछे मुड़ते तेज दौड़ जाते भाग जाते, काहे रुकना, क्योंकि आप हीरो हैं, आप पढ़े लिखे हैं और आपको यू नीड टू गाइड देम, पढ़े लिखे सब हैं बट इनिशिएटिव लेने वाले जरा कम है आजकल, ठीक है, तो इनिशिएटिव लेना, आपको आगे बढ़ना है, काम करना है। चलिए, He and his friends had gone to village in Maharashtra and earthquake comes. फिर उन्होंने बड़ा वाला काम दे दिया आपको, बड़ा वाला काम है ये? Yes sir. चले, अकेले earthquake में कुछ कर सकते हो? अरे बाबा इतने सारे मकान टूट गए हैं, लोग हल्ला कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, चोट लगी है उन्हें, तो जो भी फिट है, young people form a team. स्टार्ट रेस्क्यू ऑपरेशंस, ठीक है। अब मुझे पता नहीं कि बिजली ऑटोमेटिक कट हो जाएगी या
हो जानी चाहिए, हो जानी चाहिए आइडली स्पीकिंग, बट नहीं है फिर भी टू बी ऑन द सेफ साइड। जिस घर में आप जो सेफ्टी जो बचा रहे हैं, किसी को कुछ काम कर रहे हैं, बिजली जरूर डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा। एग्री कर रहे हैं या डिसएग्री करना है? मतलब हमारे संग मेरे संग आप एग्री कर रहे हैं कि एग्री कर रहे हैं, या एग्री कर रहे हैं कि डिसएग्री कर रहे हैं? चलो एक On a lonely road, three sardars start harassing you. तीन लोग यार, तीन लोग तुम्हें तंग कर रहे हैं, हैरेस कर रहे हैं, कह रहे हैं ज़्यादा लंबा मुंह है, बाल बड़े हैं, मुछे साले नीचे हैं, वगैरह 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 तंग कर रहे हैं। क्या करेगा तुम? बोलेंगे इनकी ऐसी कम तैसी, क्या बोलेंगे? और साला डंडा उठाएंगे और टाटन आटन मारेंगे, बैश देम विद डंडा, सिंपल। तो इससे क्या दिखता है आपका? करेज दिखता है, आप डरते नहीं है। ये नहीं है कि तीन जने हैं इसलिए हम डर जाएंगे, ऐसी कम तैसी, ज्यादा ज्यादा वो दो चार हाथ मार ही लेगा और क्या होगा। पर तुम भी तो मारोगे ना, तो एज लॉन्ग एज तुमने अपना मार दिया है, इक्वलाइज कर लिया चीज़ें, तो सही है यार, डरने की क्या बात है। ये तो भारत में अक्सर चलती है लड़ाई, और अगर आप डरेंगे तो सबसे डरते रहेंगे, कहाँ तक डरेंगे? एक बारी शेर से डर जाओ, ये मैं समझ आती है। देखिए इंडिया इज़ ए वेरी वास्ट कंट्री, ठीक है, डिफरेंट टोपोग्राफी है, डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड के हैं, तो सिचुएशंस हर तरह की मिलेंगी। तो अब आप यही चीज कि तीन जने आए हैं और आपको तंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर क्राउडेड जगह पे होगा तो आप चीखोगे भी तो लोग आ जाएंगे, बट अगर लोनली सड़क है और तीन जने हैं तो यू हैव टू डिफेंड योर सेल्फ। ये तो कर नहीं सकते कि हम डिफेंड नहीं करेंगे अपने आप को, डिफेंड तो करना पड़ेगा ना। देयरफॉर अब डंडा में है आपके पास, डंडा लेके घुमाइए और मारिए, क्या किया जाए, यू हैव नो चॉइस बट टू डू दैट। ठीक, चलिए विल बैश देम बाय बैम्बू, डंडा ही बोलो। यू आर आस्क्ड टू ऑर्गेनाइज ए कल्चरल शो इन द एड ऑफ ब्लाइंड पीपल, अक्सर शो होते हैं, ठीक है, तो ब्लाइंड लोगों के लिए, ब्लाइंड लोगों के हेल्प के लिए कल्चरल शो आपसे कहा गया है कि आप ऑर्गेनाइज करिए। बहुत सीधा सवाल है, छोटा काम है बड़ा काम है? अकेले तो नहीं कर सकते, देयरफॉर यू विल फॉर्म ए टीम, डिस्ट्रीब्यूट वर्क एंड चेक प्रोग्रेस। ठीक, समझ गए, बहुत ही सिंपल। ऑर्गेनाइज फ्रेंड्स, कलेक्ट मनी, डिसाइड वेन्यू, टिकेट्स एक्सेट्रा। चलो थोड़ा और डीपर आंसर दिया है, तो बेसिकली फॉर्म ए टीम, डिस्ट्रीब्यूट वर्क लाइक कलेक्शन ऑफ मनी, सेल ऑफ टिकेट्स वगैरह, डिसाइडिंग ऑफ वेन्यू एंड ऑर्गेनाइज इट। ठीक, यू हैव गॉन फॉर एनसीसी कैंप एंड इट इज वेरी कोल्ड देयर, पहाड़ों पर गए हैं, बहुत ठंडा है रात में, क्या करेंगे? हाँ, दैट्स ऑल, आग लगाएंगे, विल स्टार्ट अ बॉन फायर, बी ओ एन, बॉन फायर। बॉन फायर क्या है? आग बीच में लगी है, आप लोग चारों तरफ है, सेकेंगे आग। ठीक, पहाड़ों पर रात में बहुत ठंडा हो जाता है, ये करेंगे।
हाँ जी, तो फिर लोग सियाचिन वगैरह में जो रहते हैं वो क्यों नहीं आग लगाते? चलो बर्फ पिघल जाएगी, ये एक प्रॉब्लम है, सामने दुश्मन को नहीं नजर आएगा कि तुम बैठा है, नजर आएगा ना, इसलिए नहीं कर सकते। स्टार्ट कैंप फायर एंड सेंड द व्हीकल टू गेट ब्लैंकेट्स। चलो He is going to play an important cricket match of school and he is the captain. और पैर मुड़ गया, ankle sprain हो गया, तो कप्तानी छोड़ देगा या कप्तानी रखेगा वो? हाँ जी, कर तो दोनों सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर पैर मुड़ा है तो वो जो पेन किलर स्प्रे होता है वो डाल लीजिए, अगर सही हो जाए तो कंटिन्यू। आजकल वो हर गेम में रखते हैं स्प्रे, जो है वो रखते हैं, आप स्प्रे ले लीजिए, पेन किलर है, सुन कर देता है या जो भी है, व्हाटएवर इट इज, बट पेन कम हो जाता है। ठीक, टेक मेडिकल एड एंड मोटिवेट हिमसेल्फ टू प्ले। टेक मेडिकल एड एंड मोटिवेट हिमसेल्फ टू प्ले। ठीक, अब कप्तान है तो इसको ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कप्तान का काम ना ही केवल अपने आप को मोटिवेट करना है, कप्तान का काम ये भी होता है कि पूरी टीम को मोटिवेट करना। टीम डी मोटिवेट हो जाएगी अगर वो तुम कहेगा नहीं यार दर्द हो रहा है। ठीक है, ही इज टू ऑर्गेनाइज, रादर ही इज ऑर्गेनाइजर ऑफ ए क्रिकेट टूर्नामेंट एंड टू डिफरेंट क्रिकेट सपोर्टर्स स्टार्ट फाइटिंग ईच अदर। तो आप ऑर्गेनाइजर हैं, क्रिकेट मैच चल रहा है और दो सपोर्टर्स हैं टीम ए एंड टीम बी के, आपस में लड़ने लगे हैं, क्या करेंगे? हाँ जी, तो दोनों के जो लीडर हैं उनसे बात करेंगे, उनसे कहेंगे भाई खेल है, मारपीट वाला खेल थोड़ी है, खेल है, एंजॉय करो खेल को, तो कोई तो जीतेगा कोई तो हारेगा। चलो चलो दोस्तों, आज का ये सेशन यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे, ठीक है, नए नए सिचुएशंस के संग करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय हिंद सर।